तो अगर आप लोगों के कंफ्यूजन कि आप लोगों को Infinix Hot 10 S लेना चाहिए या फिर आप लोगों को Tecno Pova लेना चाहिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन सा आप लोगों के लिए बेस्ट फोन रहने वाला है। वैसे अगर मैं आप लोगों का थोड़ा टाइम सेव करूँ तो और मेरे को इन दोनों में से कोई एक फोन पिक करना होता तो मैं Infinix Hot 10 S को पिक करता, तो मैंने अपना वर्स्ट टाइम गिरा लिया ये बोल के। बाकी मैंने आपको समरी बता दी कि मतलब ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ों के अंदर या फिर मतलब ज़्यादातर जो आपको बढ़िया पैकेज प्रोवाइड कर रहा है, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी जो आपको मिल रहा है, वो आपको Infinix Hot 10 S मिल रहा है अगर आप लोग उसको Tecno Pova से कंपेयर करते हो तो। तो हेलो सुल्तान, मेरा नाम है केशव। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपेरिजन करने वाले Infinix Hot 10 S वर्सेस Tecno Pova एंड बताने वाले हूं कि कौन सा आप लोगों के लिए बेस्ट फोन रहने वाला है। तो दोनों ही फोन के कुछ कुछ प्लस पॉइंट आपको मिलते हैं, बट हाँ ओवरऑल आपको Infinix Hot 10 S बेटर मिल जाता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। तो भी ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने Infinix Hot 10 S के डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आपको एक बड़ी डिस्प्ले मिलती है, इधर आपको 6.8 इंचेस का HD प्लस का IPS पैनल मिलता है, इधर आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है, बट इधर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो इस प्राइस में काफी कमाल की चीज आपको मिलती है। वहीं बात करते हैं बैक की, तो आपको बैक प्लास्टिक की मिलती है, बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, बैक साइड में आपको तीन कैमरे मिल जाते हैं। वही बात करते हैं अपने Tecno Pova की, तो उधर भी आपको सेम साइज की डिस्प्ले मिलती है 6.8 इंचेस का, इधर भी अपना HD का पैनल मिलता है, इधर भी आपको IPS पैनल मिलता है, बट इधर आपको पंच होल मिलता है, इधर आपको स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। वही बात करते हैं बैक की, तो आपको बैक प्लास्टिक की मिलती है, बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, इधर आपको बैक साइड में चार कैमरे मिलते हैं। वैसे एक फन फैक्ट कि दोनों ही फोन के कैमरे ऐसे इतने कुछ काम के हैं नहीं, मतलब प्राइमरी को छोड़ के। तो वही बात कर लेते अपने Infinix Hot 10 S के कैमरे की, तो इधर आपको बैक साइड के अंदर तीन कैमरे मिलते हैं, 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग प्लस AI का कैमरा मिल जाता है। वही बात करते हैं सेल्फी की, तो इधर आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, सेल्फी में आपको फ्लैश लाइट भी मिल जाती है। वही बात करते हैं अपने Tecno Pova की, तो इधर आपको बैक साइड के अंदर चार कैमरे मिलते हैं, 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए, एंड इधर भी आपको QVGA का वो मिल जाता है, मतलब AI वाला, मतलब एरा गेरा नथु गेरा कैमरा वो आपको मिल जाता है, एंड इधर आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, एंड सेल्फी में इधर भी आपको फ्लैश लाइट मिल जाती है। तो वही बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, तो भाई दोनों ही फोन के अंदर प्राइस के हिसाब से काफी तगड़े प्रोसेसर आपको मिलते हैं। Infinix Hot 10 S के अंदर आपको मिलता है मीडियाटेक हीलियो G85 का प्रोसेसर, जो आपको 12 nm का मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, मान लीजिए 52 का आपको GPU मिलता है। वही बात करते हैं अपने Tecno Pova की, तो इधर आपको थोड़ा सा छोटा भाई मिलता है G85 का, इधर आपको मिलता है मीडियाटेक हीलियो G80 का प्रोसेसर, जो आपको 12 nm का मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, मान लीजिए 52 का आपको GPU मिलता है। वही बात करते हैं बैटरी की, तो दोनों फोन के अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, दोनों ही फोन में आपको माइक्रो USB का पोर्ट मिलता है, दोनों ही फोन आपकी 18W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, बट Tecno के पास एक एडवांटेज जाता है कि इधर आपको फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है, वही Infinix के साथ आपको बॉक्स के अंदर 10W का चार्जर मिलता है। तो वही बात करते हैं अपने Infinix Hot 10 S के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर आपको 3.5 mm का जैक मिल जाता है, Infinix का लेटेस्ट UI मिल जाता है, यानी कि Infinix का XOS 7.6 इधर आपको मिलता है, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, डेडिकेटेड स्टोरेज मिल जाता है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाती है, EMC का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, एंड इधर आपको कुछ यूनिक फीचर्स वगैरह भी मिल जाते हैं, मतलब है कुछ, मतलब इतने भी खास नहीं है, बट हाँ अच्छे फीचर्स हैं, मतलब ठीक ठाक है। बाकी इधर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, 180 Hz का टच रिस्पॉन्स रेट मिल जाता है, NEG की प्रोटेक्शन मिल जाती है, वाइल्ड L3 मिलता है, बेसिक सारे सेंसर मिल जाते हैं, कैमरा 2 MP मिल जाता है, एंड इधर आपको 440 nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है। वही बात करते हैं अपने Tecno Pova की, तो आपको 3.5 mm का जैक मिल जाता है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाती है, EMC का 5.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, इधर आपको Tecno का खुद का UI मिल जाता है, HiOS 7, इधर आपको डेडिकेटेड स्टोरेज मिल जाता है, बेसिक सारी सेंसर वगैरह इधर भी आपको मिल जाते हैं। बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, तो अपने Infinix के फोन के अंदर आपको 4GB की रैम 64GB की रोम मिलती है 10,000 के प्राइस पे। बात करते हैं अपने Tecno की, तो आपको 4GB की रैम 64GB की रोम मिल जाती है 10,500 के प्राइस पे। तो अभी मैंने आप लोगों को स्पेसिफिकेशन प्राइस वगैरह बता दिया, बट अब बात करते हैं भाई कौन सा फोन आगे निकलता है, ये भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। वैसे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, एंड सो मुझे इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं बात करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन की, भाई डिस्प्ले एंड डिजाइन के अंदर कौन सा फोन आगे निकलता है, डिजाइन की बात तो भाई आपके ऊपर आते हैं कि आपको किसका डिजाइन पसंद आ रहा है। बाकी मैं दोनों ही फोन आप लोगों को बैक साइड से शो कर रहा हूं, तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में आपको किसका डिजाइन बढ़िया लगा है। वहीं Infinix के पास एक प्लस पॉइंट जाता है, जो काफी तगड़ा प्लस पॉइंट है Infinix के पास, मतलब इस प्राइस में तो भाई बहुत ही भोकाल प्लस पॉइंट है, इधर आपको 90 Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो काफी काम की चीज हो जाती है। बाकी Tecno के पास भी एक छोटा सा प्लस पॉइंट जाता है कि इधर आपको पंच होल मिलती है, जो देखने में ऑब्वियसली मतलब ट्रेंडी लगती है। वहीं बात करते हैं Infinix के कैमरे,
की तरफ आपको भाई जो प्राइमरी कैमरा मिलता है आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है एंड उसी के साथ टेक्नो पे भी छोटा सा प्लस पॉइंट जाता है क्योंकि इधर आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट मिलता है जो आपको इन्फिनिक्स के फोन के अंदर नहीं मिलता। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो भाई प्रोसेसर में अपना इन्फिनिक्स 410S आगे निकलता है क्योंकि इधर आपको G85 का प्रोसेसर मिलता है। बाकी टेक्नो पोवा में भी कुछ बेकार नहीं है बट हाँ G85 के आगे G80 थोड़ा सा पीछे तो रह जाता है। वही बात करते हैं बैटरी के, दोनों फोन में आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, माइक्रो एसपी का पोर्ट मिलता है बट टेक्नो के पास प्लस पॉइंट जाता है कि इधर आपको 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। वहीं अपने इन्फिनिक्स के पास थोड़े से प्लस पॉइंट जाते हैं, जैसे कि आपको थोड़ा सा पतला फोन मिलता है 0.2 mm की थिकनेस इधर आपको कम मिलती है एंड आपको बिल्कुल लेटेस्ट फोन मिल जाता है, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स वगैरह मिल जाता है एंड इधर आपको 180Hz का टच रिस्पॉन्स रेट भी मिलता है। तो अगर आप लोग को एक बेटर पैकेज चाहिए तो आप लोग इन्फिनिक्स 410S की तरफ जा सकते हो। अगर आप लोग की प्रायोरिटी गेमिंग, आप लोगों को कॉन्टेंट वगैरह भी ज्यादा देखना है क्योंकि इधर आपको एक हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले वगैरह मिल जाती है, बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है तो उधर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ बट टेक्नो पे प्लस पॉइंट जाता है कि इधर आपको पंच होल मिलता है, बाकी इधर आपको कैमरा वगैरह भी अच्छे मिलते हैं, 48 मेगापिक्सल का कैमरा वगैरह मिल जाता है, हाई टच रिस्पॉन्स रेट भी मिलता है, रिफ्रेश रेट भी मिलता है, तो ओवरऑल आपको एक इन्फिनिक्स 410S बेटर पैकेज मिल जाता है। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि भाई आपको दोनों में से कौन सा फोन पसंद आया, आप लोग कौन सा फोन पिक करने वाले हो। बाकी अगर आप लोग मुझसे पूछोगे ना कि भाई मेरे को कौन सा फोन पिक करना है इन दोनों में से, तो सीरियसली मैं दोनों में से कोई फोन नहीं पिक करने वाला इन दोनों में से, क्योंकि मेरे को इन्फिनिक्स का UI भी इतना कुछ पसंद नहीं है, टेक्नो का UI भी कुछ पसंद नहीं है, मतलब मेरे को इन पे ट्रस्ट भी कम ही है मतलब दोनों ब्रांड के ऊपर, ये वाली बात है। तो मेरे को अगर 10,000 का मेरा कोई बजट होता तो मैं इधर दो फोन में से कोई एक लेता, रियलमी नार्जो 20 लेता या फिर माइक्रोमैक्स का फोन लेता, इन दोनों में से कोई एक फोन पिक करता। तो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो भाई, जो भी आपकी दिल की बात है आप लोग मुझे सामने रख सकते हो। एंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, फॉलो कर लो। मिलते हैं कल की किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए।